हे गाइस, सो अनदर जो क्वेश्चन आंसर सही चल रहा है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। आपको आपने थंबनेल पर कुछ देखा है, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, राइट। एक बच्चा मेरे को पूछा था, उससे पहले बता दूं, बच्चा पूछा था कि सर क्वेश्चन आपको कहाँ पूछूं। क्वेश्चन आप कहीं पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। हम क्वेश्चन उठा लेते हैं जो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो बना लेते हैं, राइट। चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होगा, तो कोई हो सकता है वो पर्सन। एक्चुअली वो जो थी, वो लड़की थी, उन्होंने बोली कि मैं 2020 में, राइट, अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, मैंने गेट का प्रिपरेशन करा, बहुत ख़राब गया मेरे गेट का पेपर, या फिर किसी का मान लो अच्छा भी गया है, जस्ट क्रैक हो रहा है, तब भी कुछ खास फ़ायदा मिलता नहीं है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बोलेंगे सर एमटेक कर लेंगे, लेकिन एमटेक के बाद क्या करोगे? जस्ट क्रैक होने के बाद जहाँ एमटेक में एडमिशन मिलेगा, वहाँ पर प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत कम है, रेयर है, अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से हैं नहीं, मैकेनिकल से हो। तो अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो आप भी जा सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, अगर आपको आता है कोडिंग आपको रख लेंगे, बिकॉज बहुत रिक्वायरमेंट है, और आगे वो बढ़ता रहेगा, वो तो कहानी अलग है। हर कॉलेज के इसलिए आईटी और सीएससी का क्या होता है, प्लेसमेंट 100% होता है, इवन 200%, 300% प्लेसमेंट होता है। मतलब क्या हुआ, एक बच्चे को दो दो तीन दिन ऑफर ही मिलता है सीजन में, ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट भी ऐसे हैं, नाम नहीं बता सकता आपको, बिकॉज क्योंकि वो फिक्स नहीं है, अभी है, आगे क्या होगा मुझे क्या पता, राइट। अच्छा, अब आए हम बात करते हैं क्या कि वो बीटेक कंप्लीट करी, गेट दी, हुआ नहीं। अब जहां भी अप्लाई करती हैं या कोई भी करता है, तो क्या होता है, जो रिप्लाई तो आता नहीं है बहुत जगह से, बिकॉज वो मैकेनिकल से है, राइट। कोर ब्रांच से अगर हो तो रिप्लाई आना बड़ा मुश्किल है फ्रेशर के लिए। अगर रिप्लाई आ भी गया तो पूछेंगे एक्सपीरियंस कोई है क्या, बिकॉज उनकी भी कोई गलती नहीं है। फ्रेशर जो हम इंजीनियर्स निकलते हैं मीडियोकर कॉलेज से, इवन थोड़ा अबव एवरेज कॉलेज से, उसके नीचे तो भूल जाओ, मतलब भूल जाओ मतलब क्या, उसके नीचे तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो लगभग जीरो होता है, नहीं होता है, बिकॉज मैं थोड़े अपो एवरेज कॉलेज में ही पढ़ाया और एवरेज कॉलेज में ही पढ़ाया, तो मैंने देखा वहाँ पर, मतलब हालांकि आपको ही पता होगा, मैं पता है क्या होता है वहाँ पर, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, आई नो। सो इंडस्ट्री वाले क्या चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा आएगा, थोड़ा हमारे सिस्टम के साथ एडॉप्ट हो जाएगा, और तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के देगा भाई ये, बिकॉज इंडस्ट्री वाले आपको क्यों रखते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा प्रॉफिट कमा के आप दो तभी वो रखते हैं, बिकॉज आप अगर प्रॉफिट कमा के नहीं दोगे तो इनका इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। इंडस्ट्री क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ वर्कर्स जो काम करते हैं, वर्कर्स मतलब यह मत समझना खाली लेबर की बात करूँ, एवरीबडी, चाहे वो मैनेजर हैं, चाहे एचओडी हैं, चाहे वो आपका सीईओ है, कोई भी, इंडस्ट्री इसलिए चलती है, कोई भी कंपनी चल रही है, दिस बिकॉज ऑफ पीपल आर वर्किंग फॉर दैट कंपनी, कंपनी उससे प्रॉफिट कमाती है, उससे सैलरी जाता है, उससे उनका और डेवलपमेंट होता है, तो ये सिस्टम बनाया गया है। और आप बहुत सारे बोलते हैं सर मैं फिर किसी लिए क्यों काम करूँ, क्योंकि यार उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है काफ़ी सारा पैसा, राइट। बिकॉज आईटी इंडस्ट्री का अलग कहानी है, आप खुद शुरू कर सकते हो, एक लैपटॉप, और आप खुद से एक लैपटॉप चाहिए और आप या कंप्यूटर चाहिए, खुद से शुरू कर सकते हो, बट मैकेनिकल का ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल का ऐसा नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है अगर इंडस्ट्री लगाना है। हाँ, अगर आप रिपेयरिंग शॉप रखना चाहते हो वो अलग कहानी है भाई, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो इंडस्ट्री नहीं है, वो रिपेयरिंग शॉप है, मैकेनिक का शॉप खोल लिया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रिपेयरिंग शॉप खोल लिया, वो अलग कहानी है, राइट। वो भी अच्छा बिजनेस मॉडल है, मैं खराब नहीं बोलता हूँ, बिजनेस मैं सब बिजनेस को अच्छा बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो, राइट, चाहे वो नाश्ता बनाने वाला, मतलब टिफिन खिलाने वाला हो, राइट, या फिर कोई आपका बहुत बड़ी कंपनी हो लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो, सारे बिजनेस को मैं अच्छा मानता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग कहाँ अलग ही लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्वेश्चन अब है उनके पास कि मेरे को अप्लाई नहीं आता है, मेरे घर वाले मेरे को बाहर जाने देंगे नहीं, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, और गेट दोबारा प्रिपरेशन करने का मुझे मन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, बड़ा जो क्वेश्चन आया मेरे पास, मैं समझ सकता हूँ उस पर्सन के फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा। 4 साल आप पढ़ते हो, 40-45 सब्जेक्ट पढ़ते हो, मेहनत तो लगता है भाई, चाहे आप पास कर रहे हो या फिर टॉप कर रहे हो, एफर्ट डालना पड़ता है, इतने लैब्स लगाते हो, 4 साल कोई 4 दिन नहीं होता है, इट्स लॉन्ग पीरियड। उसके बाद थोड़े बाउंडेशन है घर वालों का, छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो क्या हो कहानी, वॉट नेक्स्ट, तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या करना चाहिए। अगर आप बोलते हो मेरे को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन अब करना नहीं बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तब उसको छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में मत सोचो, राइट। अब आपको थोड़ा सा ब्रॉड सोचना होगा। अब देखो आपके सामने एक रास्ता है जो बहुत अच्छा मानता हूं मैं फिलहाल,
ओके आईटी फील्ड, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लो, सी से शुरू करो, सी सी प्लस प्लस जावा सीख लो, उस फील्ड में जाओ, ये काफी अच्छा फील्ड है। या फिर वेब डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हो, जावा स्क्रिप्ट सीख के, रिएक्ट, जेक्वेरी, रूबी, जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी आपका उसमें रूबी आ गया, ये सारा आप देख लेना कौन सा आपको सीखना है उसके अकॉर्डिंग जाना। राइट, मेरे को जावा फील्ड क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज वो काफी वाइडली यूज्ड है कई, और ये ओपन सोर्स सेक्टर रखा है, तो आपको फायदा मिलेगा थोड़ा सा, उसमें काफी लोग यूज कर रहे हैं। राइट, भी मेरे जो साथ जो मेरे नॉन जो काम करते हैं वो भी जावा फील्ड में काम करते हैं। राइट, डॉट नेट भी अच्छा है, बट वो पेड है, माइक्रोसॉफ्ट का है ना। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में, आई टी फील्ड आप जा सकते हैं। जाने का तरीका आपको बता दिया, क्या क्या करेंगे, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, आप एक बार कोर्स छोटा ले लो, क्या पता आप एंजॉय कर रहे हो, अगर नहीं एंजॉय कर रहे हो कोडिंग करना तो थोड़ा सा डाउट है भाई, क्योंकि देखो कोडिंग अगर एंजॉय नहीं करते तो थोड़ा मुश्किल होता है उस फील्ड में आगे ग्रोथ करना। कोई भी काम करते हो अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो काम करते करते तो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम तो देखो आपके लिए है, क्योंकि अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई नया आएगा तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा सीखने के लिए, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या होता है, बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाता, जब फ्री माइंड होता है जल्दी ग्रैब करता है, टेंशन में कुछ काम अच्छा नया हो नहीं पाता है, इसलिए बच्चे जल्दी सीख पाते हैं कोई चीज़, बिकॉज उनके अंदर टेंशन, दिमाग में टेंशन होता ही नहीं है, कुछ भी सिखा दो सीख जाएंगे। राइट, हाँ जल्दी भूल भी जाते हैं, ये बात सच है, बट एवरेज में देखोगे बेटर होते हैं, इसलिए बच्चा बनना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, ज्यादा टैलेंटेड मत बनो, बच्चा बन जाओ, यू विल लर्न समथिंग विथ वेरी गुड एक्यूरेसी, ये साइंटिफिक रीजन है भाई, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं सोचना मन से बता रहा हूँ। एक तो हो गया ये, दूसरा देखो अगर गेट कंपटीशन नहीं करना है, आप नॉन टेक प्रिपरेशन कर सकते हो बैंकिंग लेवल का, पहला गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर आप लड़की हो तो और एक सेक्टर है, मैं आपको बता देता हूँ, दो सेक्टर है, एक टीचिंग सेक्टर है, आप बीएड में एडमिशन लेके स्कूलिंग ज्वाइन कर लो पढ़ाने के लिए, काफी अच्छा सेक्टर है टीचिंग सेक्टर गर्ल्स के लिए। एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, आप बहुत सारे बैंकिंग का बैंक के क्या होते हैं आजकल प्रोग्राम्स निकलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री में देते हैं और आपको रिक्रूट भी करते हैं, प्राइवेट वाले निकालते हैं। राइट, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और बैंकिंग सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो अब हर फील्ड का प्रोज एंड कॉन्स तो होता है, कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है विदाउट कॉन, हर जगह कोई भी तो मिल जाएगा। मैं गिना देता हूँ, आईटी सेक्टर में सीधा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने का, बहुत टाइम, पहला कोडिंग अगर एंजॉय नहीं कर रही हो तो मुश्किल होगा, बिकॉज हर 5-10 साल में कुछ चेंज हो रहे हैं उसमें, तो सीखना पड़ता है, सीखते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, पहला कौन। लेकिन बेनिफिट क्या है, प्रोज क्या है, बहुत पैसा है भाई, इतना पैसा कहीं नहीं है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी लंबा टाइम काम करना पड़ता है, कौन है ये, प्रोज क्या है, सेफ है, एसी रूम में बैठते हो मैक्सिमम टाइम, और सैलरी टाइम पर आता है, चाहे प्राइवेट बैंक क्यों ना हो सैलरी लगभग टाइम पर आता है, सैलरी ठीक ठाक मिलता है। राइट, और टाइम पर घर आओगे लगभग, लगा लो सब दिन नहीं, कुछ टाइम लेट तक काम करना पड़ता है, बट सेफ है कंपेरेटिवली। दूसरा टीचिंग सेक्टर, प्रोज क्या है, प्रोज ये है कि आप सुबह मतलब बिल्कुल दिन में ही काम होता है, रात में काम नहीं होता है टीचिंग में, आप पढ़ घर में पढ़ते हो मतलब वर्किंग टाइम नहीं होता है, प्रोज है ये, सबसे बड़ा प्रोज है। कौन क्या है, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में, अगर आप प्लस टू के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं IIT का या NTSC का या KBPY का, मतलब कंपिटेटिव स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हो, तो जनरली आपका सैलरी कम होते हैं। हर चीज का प्रोज एंड कॉन होता है, आपको देखना है कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। देखो टाइम मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब क्या है, अपने लाइफ को अच्छे से जीने का तरीका है, अपना लाइफ ही नहीं जी पा रहे तो भैया पैसे कमा क्या फायदा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, पैसा कमाना जरूरी है, सबको चाहिए पैसा कमाना, सबको चाहिए, आपको आप भी कमाओ मैं भी कमा रहा हूं, लेकिन अगर लाइफ को ही नहीं जी पा रहे हो तो पैसे क्या फायदा, पहले लाइफ को, ये लाइफ इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, इसको जीना पड़ेगा। अच्छा और एक ऑप्शन है, आप हायर स्टडीज कर सकते हो, अगर घर वाले पैसे थोड़ा और लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो MBA कर लो चुपचाप, जॉब लग जाएगा, अदर देन IT MBA इज मच 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 बेटर देन अकॉर्डिंग टू मी देन MTech जॉब परस्पेक्टिव। और गर्ल्स के लिए MBA आप HR ले लो मस्त, कोई टेंशन नहीं है, मजा आ जाएगा। राइट ठीक है, और बॉयज़ के लिए कुछ भी ले सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट ले सकते हो बॉयज़ वाले, अगर आपको इंडस्ट्री पसंद है तब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट लीजिए, मैकेनिकल वालों के लिए, कोर वालों के लिए काफ़ी बढ़िया ऑपरेशन मैनेजमेंट, अमेजिंग ब्रांच है। राइट चलिए, सो गाइस थैंक यू वेरी मच,
एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कोई और क्वेरी से पूछ सकते हो, कहीं भी पूछो, क्वेश्चन अच्छा होगा और जरूर वीडियो बनेगा। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।